अघोरी बाबा। जितने भी अघोरी बाबा है हमारी दुनिया में, उन सभी का एक अघोर पंथ है, यानी कि एक छोटा सा ग्रुप जिसमें सभी अघोरी जुड़े हुए हैं और वो सबके सब सच्चे महादेव के भक्त होते हैं। अघोरी के नाम पर कई ऐसे बाबा भी हैं जो लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, उन्हें ठग लेते हैं। अब सवाल यह आता है कि असली अघोरी और नकली अघोरी में फर्क कैसे करें? पहले जवाब काफी आसान है। जो रियल अघोरी होते हैं वो कभी भी किसी भी इंसान से कुछ भी नहीं मांगते, और सबसे बड़ी बात, वो बिना बात के इंसानों के बीच आते ही नहीं है। यानी कि वो तभी आते हैं जब उन्हें कोई किसी के अंतिम यात्रा यानी कि शमशान में बुलाने के लिए इन्वाइट किया हो। और दूसरी बात, वो ज्यादातर तब इंसानों के बीच दिखते हैं जब कुंभ का मेला लगा हुआ हो। अघोरियों को कई लोग ओगधर भी बुलाते हैं, और कई लोगों का मानना होता है कि अघोरी बहुत ही डरावने और खतरनाक होते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अघोर का मतलब होता है A+ घोर, यानी कि वो ज्यादा किसी को चिल्लाते नहीं है, सिंपल रहना पसंद करते हैं, डरावने नहीं होते, और सबसे बड़ी बात, वो लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन यानी कि किसी से भी भेदभाव नहीं रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सिंपल रहना काफी डिफिकल्ट होता है, और अघोरी लोग ऐसे सिंपल बनने के लिए काफी मेहनत करते हैं और बहुत सारे डिफिकल्ट रास्तों से गुजरते हैं। अब ये सब सीखने के बाद वो हमेशा के लिए हिमालय चले जाते हैं। अब एक और सवाल इसमें ये आता है कि अघोरी लोग ऐसे शमशान में क्यों रहते हैं, या इंसान का हड्डी या फिर इंसान का मांस ये सब क्यों खाते हैं? आमतौर पर कहे तो अघोरी वही सब चीजें पहनते या फिर खाते पीते हैं जिससे हम नॉर्मल लोग नफरत करते हैं, ताकि अघोरी को कोई भी उनके तपस्या करते वक्त छेड़े ना, या उन्हें हम नॉर्मल ह्यूमन से कोई भी डिस्टरबेंस ना मिले। क्योंकि कोई भी इंसान जब अघोरी बनने का सोचता है तो उसे काफी चीजें पीछे छोड़नी पड़ती है। उसकी लाइफ, उसका किसी चीज को लेके पागलपन, अच्छा बुरा, सुख दुख, खुशबू बदबू, प्यार नफरत, जेलेसी, हर एक अट्रैक्शन को उन्हें पीछे छोड़ना पड़ता है। इसलिए अघोर विद्या कम्प्लीट करना काफी डिफिकल्ट माना जाता है। तभी वो स्टार्ट के ऐसे कुछ समय शमशान में गुजारते हैं, और फिर थोड़े समय बाद वो वापस हिमालय चले जाते हैं या फिर कहीं जंगल में रहते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि वाकई में अघोरी बनने के लिए काबिल हुए या फिर नहीं। और ऐसा वो तब तक करते हैं जब तक वो अपने आप को पूरी तरीके से अघोरी नहीं बना लेते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सारे अट्रैक्शन को खत्म कर देना, तभी वो अघोरी बनने के अगले स्टेप पर पहुंचते हैं। अघोरी की सबसे अलग बात ये होती है कि उन्हें आप कुछ भी दो वो चुपचाप खा पी लेंगे। जैसे आप रोटी दो तो वो उसे भी खा लेंगे, नॉनवेज दो तो वो उसे भी खा लेंगे, बकरी का गोश्त दो तो वो उसे भी खा लेंगे, यहाँ तक कि आप इंसान का मांस दोगे तो वो भी खा लेंगे, और तो और वो सड़े हुए मांस तक खा लेते हैं। मगर अगर आप उन्हें गाय का मांस दोगे तो वो उसे कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो महादेव के साथ साथ गौ माता की भी पूजा करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अघोरी लोग शमशान में आके ध्यान क्यों लगाते हैं। वेल, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मौत क्या होती है, और ये मौत के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है, क्या हम आत्मा से बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, उन्हें शमशान में ये सीखने को मिलता है कि मोह माया क्या होता है, और कैसे अपने लाइफ के हर एक चीज को त्याग दे। और कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर हम शमशान के सामने करते हैं तो उसका असर जल्दी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्लेसेस पर सीखना। इसके साथ में ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनका अघोरी जवाब ढूंढते हैं, और न जाने ऐसे कई बातें जो अघोरी आज तक मिस्ट्री बनाकर रखे हुए हैं। इन सब के बाद भी ऐसे कई फेक बाबा या फिर फेक अघोरी है जो इंसान को लूटने का काम करते हैं। लूटना तो एक हद तक थोड़ा कम है, और इसमें ज्यादा कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि आजकल तो हर कोई किसी न किसी को लूट ही रहा है ना। पर ये जो नकली बाबा और नकली अघोरी है, वो ऐसे कई महिलाओं और लड़कियों के साथ सो चुके हैं, और ये दावा करते हैं कि उनके ऐसे सोने से वो उन लड़कियों या महिलाओं का वो इलाज कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं होता है, बल्कि मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी, ये दोनों जगह भी पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। ये वीडियो में ये बाबा ये दावा करता है कि इस लड़की के शरीर में कोई आत्मा है, और वो उसे बाहर निकलने के बहाने देखो कैसे गंदे तरीके से उसको टच कर रहा है, वो भी जमीन पर लिटा कर। सिर्फ ये ही नहीं, ऐसे एक और बाबा है जो सिर्फ लड़कियों के शरीर में फंसे जिनको बाहर निकालता है, वो भी देखो कैसे आधा किस करके। और ये रहे क्रिश्चियन के पास्टर यानी पादरी लोग, देखो कैसे दोनों किस तरह फायदा उठाकर इस लड़की और ये आंटी जी का इलाज कर रहे हैं। मुझे तो देखकर ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सोचो कैसे बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को। और ये रहे फेक डोंगी बाबा हिंदू धर्म के, स्टार्ट में लड़की के माँ बाप को बाहर जाने बोलता है और उसके साथ हरकत करना शुरू कर देता है, फिर लड़की को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद उसके माँ बाप आके अंदर सॉरी बोलते हैं, बाबा बोलता है कोई बात नहीं, लड़की की जगह आप बैठ जाइए, और उसके पति को वो बाहर जाने को कह देता है। धीरे धीरे वो उस औरत के साथ भी हरकत करना शुरू कर देता है, और बाद में उसका थोड़ा सा पोपट हो जाता है, क्योंकि वो औरत कोई मामूली औरत नहीं बल्कि पुलिस वाली रहती है। ये तो बस नॉर्मल कुछ वीडियो से ये तीन सबसे बड़े धर्म के। मैंने तीनों इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे मालूम है किसी भी एक का दिखाता या बताता तो सब उस धर्म की बुराई करने लगते और अपनी अच्छाई। तो बात यहाँ धर्म की नहीं है, मैं यहाँ इंसानियत की बात कर रहा हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम सिर्फ कुछ बाबा या मौलाना या फिर पादरियों की वजह से जो सच में अच्छे हैं उन्हें गालियाँ देना बंद कर दे तो बेटर होगा।
और अघोरी का टॉपिक इसलिए ये वीडियो का है क्योंकि अघोरी पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे अच्छे होते हैं। उनका इंटेंशन किसी को भी चोट पहुंचाना, डराना या फिर लूटने का नहीं होता है। वो बस अपने आप का सब कुछ त्याग करके भगवान महादेव के भक्ति में लीन हो जाते हैं। भले वो कुछ भी खाते पीते हो, पर मैं इतना कह सकता हूँ सच्चे अघोरी हम नॉर्मल ह्यूमन से लाख गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि वो किसी का रेप नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी को लूटते नहीं है। उम्मीद है मैंने इस वीडियो में अघोरी से रिलेटेड सारी बातें कवर की है, और जो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो आपको अच्छे से मैंने समझा दिया रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ बोलना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बातचीत भी जरूर कर सकते हैं। और इसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।